नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सुभाष गर्ग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी कलेक्टर और SP भी इस बैठक में जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भी इस बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना फंड के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की कटौती समेत पर्यटन नीति पर मुहर लगने समेत कई फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो सीकर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है। सोमवार रात RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महिला पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग व मारपीट कर उनका पर्स और उनका सामान ले गए। उन्होंने मंगलवार को सदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि हमले में प्रदेश प्रवक्ता को ज्यादा चोटें नहीं आई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मंगलवार शाम को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश प्रवक्ता महिपाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस तैयार कर दी है और जारी भी कर दी है, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे इलाकों में बच्चों के आने जाने पर भी सख्त पाबंदी जारी रहेगी। राजस्थान सरकार के मुताबिक स्कूल, कॉलेज या फिर किसी तरह के शिक्षण संस्थान को 30 सितंबर तक खोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। COVID-19 को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दे, मंगलवार को राजस्थान में 1470 रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। सबसे अधिक मामले 308 राजधानी जयपुर से दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 13,970 पहुँच चुकी है। वहीं आपको बता दे अब तक 1,069 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के मौसम को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे दे, प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी रहा। हालांकि मंगलवार को जयपुर सहित प्रदेश के सभी जगह बारिश की रफ्तार काफी धीमी रही, लेकिन दिन भर बूंदाबांदी या हल्की बारिश का दौर जरूर जारी रहा। बुधवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आज अलवर, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, टोंक के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में जोधपुर में 5 महीने से बंद रही शेड्यूल फ्लाइट्स 2 सितंबर यानी कि आज से फिर शुरू होने जा रही है। जोधपुर से अब सीधे दक्षिणी भारत के 2 बड़े शहर चेन्नई और बेंगलोरों के बीच एयर कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। तो यह थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।